नमस्कार, प्रोग्राम आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। इस हफ्ते का प्रोग्राम जो है वो फील्ड से ना होकर स्टूडियो से है। इसके पीछे का जो कारण है, जो वजह है, वो आपको प्रोग्राम देखते देखते समझ आ जाएगी। तो आज मैं बात करूंगा अपनी ही इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की। आज मैं बात करूंगा मीडिया इंडस्ट्री की, और यहाँ पर पत्रकारों की जो आवाज़ है वो आज बनने की हम कोशिश करेंगे। तो ऐसे में जहाँ इज्जत, दौलत और शोहरत, जिसको पाने के लिए इंसान पूरी ज़िंदगी गुजार देता है, वो तीनों चीज़ें जहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने लगी हैं, तो ऐसे में जब ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने लगे, तो कई नए नवेले लोगों ने इसकी ओर अपना रुख कर लिया। लेकिन यहाँ असलियत कुछ और ही। अगर बीते एक साल की बात करूँ तो असलियत ये है कि अस्पतालों में पत्रकार मर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। ये वही पत्रकार हैं जो त्रासदी के बीच भी लगातार रिपोर्टिंग करते रहे। ये वही पत्रकार हैं जो मरीजों की आखिरी आंस बनकर सामने आते हैं, जब माहौल ये है कि क्या डॉक्टर, क्या प्रशासन, अस्पतालों के दरवाजों पर खड़े गार्ड भी जब इन मरीजों को जलील करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, तब इनके लिए यही पत्रकार लड़ते हैं। यही पत्रकार हैं जिनकी वजह से सरकारों को जवाब देना पड़ रहा है। यही वो पत्रकार हैं कि जिनका कोई छोटा बच्चा है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, जिनकी बूढ़ी माँ है, लेकिन वो सबको छोड़ छाड़ कर सड़कों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ मैं सेलिब्रिटी पत्रकारों की बात नहीं कर रहा, यहाँ बात कर रहा हूँ असली पत्रकारों की, जो सड़क सड़क जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। जब कहीं आग लगती है ना, तो उस ओर सिर्फ दो ही लोग भागते हैं, एक पुलिस वाला या सेना का जवान, और दूसरा होता है मीडिया कर्मी। लेकिन इस कोरोना काल में एक चीज मैंने और मेरे जैसे कई पत्रकारों ने महसूस की है कि पत्रकारों में एकता की भारी कमी है। इसके साथ ही सरकारें भी पत्रकारों को फॉर ग्रांटेड लेने लगी है। जब डॉक्टरों या पुलिस कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में इतना सम्मान मिल सकता है, तो पत्रकारों को वह सम्मान क्यों नहीं मिलता? जबकि पत्रकार सबसे ज्यादा विषम परिस्थितियों में काम करता है। पत्रकार वो है जिसके काम करने का ना तो कोई समय है, ना ही कोई पहर है। वो 24 घंटे पत्रकार की ड्यूटी पर तैनात रहता है। पत्रकार जनता का प्रहरी है। लेकिन पत्रकारों की आवाज कुछ मजबूरियों के चलते पत्रकार ही नहीं बन पाते। पत्रकारों के एक नौकरी के दौरान हर तरह की खबरों से गुजरना पड़ता है। माफिया की खबर दिखाओ तो जान का खतरा, प्रशासन का लूपहोल दिखा दो तो मुकदमों का खतरा। पत्रकार हमेशा कमजोरों की आवाज बनते रहे, जिसके चलते वो ये भूल गए कि उनकी खुद की आवाज कब की दब चुकी है। आए दिन पत्रकारों पर मुकदमे हो रहे हैं। कितने ही पत्रकारों की कोरोना से मौत हो गई। सरकार क्या किसी ने भी मदद के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाया? पत्रकार भी एक कमांडो की तरह है जो देश को मजबूती देता है। पत्रकार असल में हर वो काम करता है जो देश के सिस्टम को कभी भी पूरा राइट या पूरा लेफ्ट नहीं होने देता। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी प्रशांत सक्सेना की कोरोना से मौत हो गई। किसी भी सरकारी मशीनरी ने जहमत नहीं उठाई कि उनके परिवार की मदद की जा सके। 1 मार्च 2020 के बाद से 600 से अधिक पत्रकारों की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन कभी भी सरकारों ने इसके लिए कुछ नहीं सोचा, ना ही कुछ किया। डॉक्टरों के लिए मुआवजे हैं, अधिकारियों के लिए मुआवजे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, एक बात बता रहा। तो देश सेवा में लगे इन पत्रकारों के लिए कुछ भी नहीं है, और क्यों नहीं? और ऐसे में कोई भी लंपट उठकर गोदी मीडिया, पप्पू मीडिया कुछ भी कह देता है। वो दरअसल ये नहीं जानते कि सेलिब्रिटी पत्रकार और पत्रकार में जमीन आसमान का अंतर होता है। मेरे कुछ पत्रकार साथियों की बात को भी सुनना चाहिए, जो दिन रात जमीन पर काम कर रहे हैं, जिनको कोरोना से लड़ना भी है, अपने घर को बचाना भी है, खुद को भी सुरक्षित रखना है, और खबरें भी करनी है। इनको सुनिए। किसी आपत्ति या विपत्ति के समय लोग जिस घटना से, जिस विपत्ति से, जिस बीमारी से दूर भागते हैं, उस समय हम पत्रकार ही उस जगह मौके पर होते हैं। लेकिन जब किसी पत्रकार के साथ कोई किसी भी तरह की घटना या दुर्घटना होती है, तो उस समय ना तो समाज उसके साथ खड़ा होता है, ना सरकार उसके साथ खड़ी होती है। तो जिस तरह से हमारे अभी कोविड के दौरान कई पत्रकार साथियों की मौत हो गई, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता ही कहेंगे कि सरकार ने ना तो उनके परिवारों को कोई मुआवजा दिया, और ना पत्रकारों के बारे में कभी कोई सम्मानजनक बात ही सोची। तो मेरा ये मानना है, या मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि ऐसे पत्रकारों के लिए भी सरकार कुछ सोचे और उनके भी बारे में कुछ चिंता करे। इतने बड़े बड़े चैनल होने के बावजूद भी कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जिस जिले में जाता है, वो पत्रकारों के हित की कभी भी कोई बात नहीं करता। इस तरह के हादसे हमेशा पत्रकारों के साथ होते आए हैं, और आज तक किसी भी चैनल ने इस तरह की आवाज़ नहीं उठाई। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सभी चैनल इस आवाज़ को उठाएँ,
और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी जिले में अगर जाते हैं, उनसे पत्रकारों के हित की जरूर बात की जाए कि अगर पत्रकार के साथ में कोई हादसा हो जाता है या मौत हो जाती है या किसी चीज़ का शिकार हो जाता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा और उसके परिवार की माल धान की रक्षा की जाए और उसे कुछ मुआवजा दिलाया जाए। एक सच्चा पत्रकार जब अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है तो उसे रोको मत। एक पत्रकार जो लोगों के बीच में सच्चाई लेके जाता है, जो राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता होते हैं जो गंदा काम करते हैं, उनको उजागर करने का काम एक पत्रकार करता है और उनके ऊपर क्या होता है, झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है। मैं कहना चाहूँगा ऐसे राजनेताओं को कि अपनी सच्चाई दिखाता है वो, ऐसे पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाओ मत। जिस तरीके से कोरोना काल के इस बढ़ते मामले में पत्रकार साथियों द्वारा लगातार कवरेज करने का काम कर रहे हैं, काफ़ी सराहनीय है। इसी कवरेज के दौरान हमारे कई साथी पत्रकारों की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद देने का काम करती है, उसी तरह पत्रकार साथियों की मृत्यु होने पर उनके घर में एक सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद देने का काम करें। कोविड 19 जैसी महामारी चल रही है जिसके चलते हमारे कई साथी हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसे में अगर बात की जाए तो सरकार को हम पत्रकारों के लिए भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको करना चाहिए। कभी कोई आपदा आती है, कुछ भी आती है, तो हम सब सबसे पहले आगे वहाँ नज़र आते हैं। उसके बाद भी हम सब के लिए किसी प्रकार का कोई भी इंतजाम नहीं है सरकार की तरफ से। अगर बात की जाए हम सब के परिवारों को, हम सब के बाद में अगर कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो कोई आर्थिक मदद देने वाला नहीं है। ऐसे में हम सबको एक आवाज़ उठानी है और मिलके सरकार तक वो आवाज़ पहुंचानी है, और आने वाले समय में हम सब साथियों को और हमारे बीच में जो साथी नहीं रहे उनको भी आर्थिक मदद मिल सके। कोरोना महामारी के चलते कई पत्रकारों की मौत भी हुई है, लेकिन शासन से लेके प्रशासन तक उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में जिस तरीके से डॉक्टरों को, पुलिस कर्मियों को और सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा का नाम दिया गया, और पत्रकारों को आज तक किसी ने कोरोना योद्धा के रूप में नहीं पुकारा, मैं कहना चाहता हूं कि पत्रकार इस कोरोना काल में एक बड़ी ही अहम भूमिका निभाकर लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं, उनका भी शासन प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं सम्मान होना चाहिए। कोरोना की वैश्विक महामारी चली आ रही है, उसमें हमारे कई पत्रकार भाई ऐसे हैं जिनकी मृत्यु भी हो गई है, जिनके परिवारों को आज बहुत ही विषम परिस्थिति से जूझना पड़ रहा है। और बात करें सरकार की, तो सरकार इस ओर ना ही कोई सुध ले रही है, ना ही उनकी कोई चिंता जता रही है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार पत्रकारों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएँ मुहैया कराए जिनके चलते वो समाज में खुल के अपने कार्यों को कर सकें। जिस तरह से पत्रकार अपनी जान खतरे में डालकर देश की समस्या लोगों के सामने रखता है, देश के सामने रखता है, और कहा भी जाता है कि देश का पत्रकार चौथा स्तंभ है, उसके बावजूद हमें वो सुख, वो सुविधाएं नहीं मिलती जिसके हम हकदार होते हैं। कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में है, ऐसे समय में पत्रकार लोगों के बीच में जाकर, हर जगह जाकर, अच्छी हो बुरी हो, उस जगह जाकर जो समस्या है वो लोगों के बीच रखता है, उसके बावजूद उसको फ्रंट लाइन वर्करों में नहीं रखा जाता है। सरकार से यही कहना चाहूँगा कि पत्रकारों के लिए भी कुछ सोचें और पत्रकारों के परिवार के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए। तो 2014 के पहले टीवी चैनलों पर सेट पैटर्न में खबरें चलती थी, जैसे होली पर पानी की बर्बादी की खबर, दिवाली पर पटाखे बैन करने की खबर, शबे बारात पर हुड़दंगियों की खबरें, कांवड़ियों का उत्पात, गर्मी में बेहिसाब गर्मी के शो, सर्दी पर प्रचंड बर्फबारी के शो, बाढ़ के शो, सिनेमा के बड़े सितारों के जन्मदिन या मरण दिन पर अलग से शो, साल के अंत में ईयर एंड के शो, फिर 2014 आया और मोदी आया। अब देश 2400 घंटे 12 महीने चुनावी मोड में रहता है। टीवी चैनलों पर सिर्फ राजनीति, इससे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है ग्राउंड रिपोर्टर्स। मीडिया में एक गलत चीज हो रही है, भारत में मीडिया एक गलत मॉडल के ऊपर चल रहा है, उसकी बुनियादी बिल्कुल गलत है, उसकी जो बुनियाद है वो बिल्कुल गलत ढर्रे पर चल रही है, ये बिजनेस मॉडल हो ही नहीं सकता।
खुद को जीवित रखने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर डिपेंड करता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? ये इंडस्ट्री जिस दिन केबल ऑपरेटर या डिश ऑपरेटर से पैसे लेने लगे कि भाई हमारी चीजें आप दिखाते हो, इसके लिए पैसे भी हम ही दें, पूरी दुनिया में ऐसा इस सीमा तक कहीं नहीं होता, तो इसका मॉडल बदलने की जरूरत है, तभी मीडिया सच में निष्पक्ष हो सकेगा। एक तरफ मीडिया संस्थान खुद को निष्पक्ष होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ ये 24 घंटे विज्ञापनों की दम पर चलते हैं। ये हुई एक बात। दूसरी एक और बात, वो शायद कुछ लोगों को कड़वी भी लगेगी कि हमारे यहाँ न्यूज चैनल सब्सिडी पर चल रहे हैं। जी हाँ, हमारे देश में न्यूज चैनल सब्सिडी पर चलते हैं। यहाँ खुद से कमाने का मतलब ही है कि रियासत से कमाना, हुक्मरानों से कमाना। भारत में हुक्मरानों के पास इतना कुछ रहा है छिपाने के लिए और मीडिया के पास इतना कुछ था दिखाने के लिए, लेकिन नहीं, मीडिया उनको लव लेटर लिखता रहा कि साहब आप जितना तक बोलेंगे एक्सपोज करने के लिए उतना ही करेंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो गया, आँच आ भी गई तो माफ। इसी आँच से बचने के लिए कई दफा हुक्मरानों ने अपने खजाने भी खोल दिए। इन खजानों को नाम दिया गया विज्ञापन का और ऐसे में मीडिया संस्थानों ने सहारा लिया सेलिब्रिटी एंकर्स का और संस्थान मौज करते रहे। एक दौर था जब जाने माने और बड़े पत्रकार सिर्फ सुबह शाम को दाल रोटी भर का कमाया करते थे, लेकिन आजकल जाने माने सेलिब्रिटी मीडिया कर्मी तो शहर को बिरयानी खिलाते, तीन टाइम इतना कमा ले। क्या खबरें महंगी हो गई? नहीं, खबरें गायब हो गई। तो ऐसे में साधारण और खबरें खोजते पत्रकारों को भी चाहिए कि मूनलाइटिंग करें। मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, मूनलाइटिंग करिए, मतलब पत्रकारिता समाज सेवा है। चाय पिए, खुश रहे और साथ में आजीविका चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहे। याद रखें, मीडिया मालिकान अमीर होते हैं, साधारण मीडिया कर्मी नहीं, और मीडिया कर्मी की आड़ में जो दौलत शोहरत पर राज कर रहे हैं वो संस्थान का चेहरा है, संस्थान के प्रहरी हैं, हुक्मरानों की प्रोपेगेंडा जीवी हैं, जनता के प्रहरी बिल्कुल नहीं। सरकारों ने भी, वो चाहे कांग्रेस का दौर रहा हो या बीजेपी का दौर रहा हो या किसी भी अन्य का दौर रहा हो, सभी ने मीडिया संस्थानों का ख्याल रखा, जिससे संस्थान और उनके सेलिब्रिटी एंकर्स को खूब मिठाई बांटी गई, लेकिन नीचे तक ये मिठाई कभी भी नहीं पहुंच सकी। सेलिब्रिटी एंकरों तक इसलिए पहुंच सकी क्योंकि वो उनकी साइड है, वो उनकी आवाज़ है जिनकी आवाज़ पहले से ही बुलंद है। फैंग्स रूपी एंकरों के सहारे कई मालिकान इशारों इशारों में सरकार से ये कहते हैं कि हमारी और ध्यान मत दो वरना हम आपकी और ध्यान दे देंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्विड प्रो को। इस क्विड प्रो को की सुनहरी पुलिया के तहत ही न्यूज मीडिया चलता आ रहा है, टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे में सेलिब्रिटी पत्रकारों के पास दो ही काम होते हैं, या तो सरकारों की आवाज बन जाना या फिर विपक्ष का काम खुद करने लगना। ये सभी पॉलिटिकल क्लास का हिस्सा है, ये जनता की क्लास में कभी आए ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता को कुछ समझ नहीं आता। लोगों के सामने ये रोजाना आते डिबेट शो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, जहां सो कॉल्ड फैंग्स या सेलिब्रिटी एंकर या फिर सरकारी एंकर या विपक्ष का एंकर भी कह सकते हैं, लोगों के साथ बैठकर प्रोपेगेंडा सेट करता रहता है। यहां हर किसी की अपनी मजबूरियां भी हैं, कोई प्रधानमंत्री के लिए शोर मचा रहा है तो कोई राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है, कोई सरकार के खिलाफ जाकर खुद को सबसे निष्पक्ष बता रहा है, लेकिन अगले ही पल त्रासदी के वक्त भी लखनऊ को लाशनऊ कहकर खुद ही खुद को एक्सपोज कर रहा है। वहीं 2014 में आई बीजेपी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट से ज्यादा सोशल मीडिया का सहारा लिया है। सोशल मीडिया पर बेशक बहुत गार्बेज है, बहुत कचड़ा है, लेकिन ये ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सबसे शानदार मीडियम है। यहाँ जवाबदेही नहीं है, यही इसकी खूबसूरती है, जो यहाँ किए गए कारनामों को निडर बनाती है, तो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो आज का प्रोग्राम बस इस लिहाज से था कि पत्रकारों को भी अपनी सुरक्षा का पूरा हक है। पत्रकारों को भी चाहिए कि वो अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं, पत्रकारों को भी चाहिए कि वो डॉक्टर्स और बाकी हमारे सेना के जवान या फिर पुलिसकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस त्रासदी से लड़ रहे हैं, तो उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो बाकी लोगों को मिलता है। उनकी भी बात की जानी चाहिए, उनके भी परिवारों का ख्याल रखा जाना चाहिए, अगर उनकी कोरोना से मौत भी होती है तो उनको भी मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पर खड़ा सेना का जवान और इस वक्त देश के अंदर महामारी से जूझते इस भारत में अगर पत्रकार सबसे आगे खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो उसको भी हक है कि सरकार उसका भी ख्याल रखें। और हमेशा से सबसे ज़्यादा अवॉइड किए गए या सबसे ज़्यादा इग्नोर किए गए इस इंडस्ट्री के लोगों को, पत्रकार जो सड़क पर पूरा दिन
आपके लिए खबरें खोजते हैं, उनको जिस तरीके से इग्नोर किया गया इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। उनका भी घर है, उनका भी परिवार है, उनको भी सहारे की ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हाँ, अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देखते रहिए और देश और दुनिया की तमाम जानकारियां पाते रहिए। धन्यवाद।